कुटिया में नहीं घुले तो लुटिया में गल जाओगे और लुटिया को भी हरिद्वार तक पहुंचाने वाला नहीं मिला। अरे इस टाइम आ जाएगा, सुन ले मेरी बात। एक तरफ कोरोना वायरस जैसी घातक बीमारी से बचने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन लगा दिया 21 दिनों का, लेकिन जो लोग सड़कों पर घूम रहे हैं उनको तो परेशानियाँ हो ही रही हैं, जो अपने घर जा रहे हैं, जो पालियान कर रहे हैं इस समय पर। लेकिन अब मैं आपको हमारे ट्रैफिक ताऊ जी से मिलवाने ले जा रहा हूँ, तो उनसे बात करते हैं। सर, जो 21 दिनों से लोग घरों में बैठे हुए हैं, जो लोग रोज़ कसरत करते थे, रोज़ काम करने जाते थे, उनका काम छूट गया है एक महीने से, मतलब क्या परेशानी उनको सामना करना पड़ रहा है, इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उससे रिलेटेड आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारी जनता को? देख भाई, गाम सा जला दुख तो दुख नहीं होता, ये तो पूरा विश्व का दुख हो गया। और जो सरकार के जो दिशा निर्देश अनुसार हम चलेंगे तो इस बीमारी से जल्दी हम जीत सकते हैं। और इसका जीतने का एक ही उपाय है, अपने घर में रहो भाई। और घर से कोई आदमी, जिम्मेवार आदमी लकड़े को संभाल लेने खातर थोड़ी देर के लिए लकड़ो और अपने घर के आसपास से ही खरीदो। दूसरा, बच्चों को बुजुर्गों को जागरूक करने के लिए घर में थाली बैठे रहने के हिसाब से घर में कंपटीशन करवाओ कोरोना के ऊपर। जैसे मन्ना अपने बच्चों पर कोरोना पर 2-4 बैनर तैयार करवाए, उसमें इनाम टेक्या, जिसमें उन बच्चों ने लिख के दिया, हम सब भारतीय हैं, देश के साथ नहीं होने देंगे कोरोना का विकास, तो हमने ये जंग लड़नी है, हमने कोरोना को भगाना है, हैं? नहीं है कोई बकवास, ये बकवास नहीं है, घर से बाहर ना निकलें। ये काफ़ी अच्छी है, हरियाणा पुलिस की तरफ से है। बाकी दूसरा मैं ये संदेश देना चाहता हूँ भाई, जो घर में बच्चे जागरूक हो जाएंगे ना, एक इंजवाए के तौर में, दादा है, दादी है, बीबी है, बच्चे हैं, जो कभी 10-10 दिन इकट्ठे नहीं हुए, अपना बढ़िया तरीके से खाना बनाओ, प्यार करो, और नोड़ते भी आ रहे हैं। और जो जनता जहाँ पर मिले, जिसके पास जैसी इच्छा, जहाँ पर 4 मार्क्स खरीद रहे हैं वहाँ 8 खरीद लो, जाती 2 खरीदने हो रहे 4 खरीद लो, और भाई जिसके पास ना उसको दो, मिल बांट के इस कार्य को आगे बढ़ाओ। मेरे तो यही आपके आदर्श है, ये जब ही होगा जब आप घरों में बंद कर भीतर रहोगे। और दूसरी बात, ये मक्खियों से भी फैल सकता है, अपने घर की आसपास की पड़ोस की साफ सफाई का स्पेशल ध्यान रखें। अमिताभ बच्चन जी ने बोला है कि ये प्रधानमंत्री जी को भी ट्वीट कराया है, ये मक्खियों से भी फैल सकता है, ये बड़ी महामारी है, छूत की बीमारी है, इसे जितना दूर रहोगे उतना अच्छा। जहाँ भी अपने गांव खलियान जहाँ पर भी हो, सफाई से रहो और अपनी संस्कृति को अपनाओ, हमारी संस्कृति की गहराई में बढ़ोगे, सफाई है, सफाई है, कोरोना रहेगा नहीं। राम राम जी। सर, ये देखा गया है कि अन्य देशों के मुकाबले हिंदुस्तान ने इस बीमारी का सामना काफ़ी अच्छे तरीके से करा है, हिंदुस्तान की इस कामयाबी के पीछे किसके कारण है, किसका सबसे ज़्यादा योगदान है, क्या कहना चाहेंगे सर? भाई, पहली बात तो जल परिवर्तन है, या हमारे कई मतलब 3-4 डाल के परिवर्तन होते हैं हमारे मौसम में। दूसरा, हम जो भारतीय हैं वो भारतीय ही हैं, दयालु आदमी हैं, 84 लाख देवी देवता इसमें वास करते हैं, अच्छे आदमी हैं। आज जो रोडों पर सड़कों पर निकल रहे हैं, हर 100 मीटर पर खाने की पीने की इनको व्यवस्था मिल रही है, ठीक है, महामारी है, हर लोग यहाँ से बिहार 700-800 किलोमीटर भी जा रहे हैं, पैदल निकल रहे हैं, पर यहाँ पर इतने अच्छे आदमी भी हैं, किसी की भी चेहरे के अंदर मावसी नहीं है, सबके चेहरे पे खुशी है, और 1000 किलोमीटर जा रहे हैं, जगह जगह 100-100 मीटर पे इनको खाने की हर चीज़ की व्यवस्था है, और इंडिया हमारा इसलिए जीत रहा है। जय हिंद। इन दिनों सर आपको ट्रैफिक ताऊ कहा जाता है, तो ट्रैफिक के विषय में आपसे बात ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो अब ट्रैफिक बिल्कुल कम हो चुका है पर, लेकिन दुख है, तो इस विषय पर आप क्या कहेंगे कि क्या ट्रैफिक दोबारा आना चाहिए, क्या चाहते हैं आप? भाई, दुख तो देखो है, और भाई गाम साजला दुख दुख भी नहीं होता, सुन ले बात, एक लब दुख पड़े तो वो दुख हो मोटा, ये तो भाई पूरा विश्व साजला दुख है, मिलजुल के काटो और फटाफट अपनी कुटिया में घर में बस जाओ, और जब कुटिया में नहीं घुले तो लुटिया में गल जाओगे और लुटिया को भी हरिद्वार तक पहुंचाने वाला नहीं मिला। अरे इस टाइम आ जाएगा, सुन ले मेरी बात, इसलिए सड़क पर देख कर चलो, अपने परिवारों को बोलो घर से बाहर मत निकलो, गाड़ी किसी को साधन मत दो, नज़दीक से नज़दीक सामान को अपने लो, इसी में हमारी सबकी भलाई है। और मौका मिल गया बुज़ुर्गों की सेवा करने का लिए, बुज़ुर्गों की कहानी सुनने के लिए, थोड़ी उनकी अपनी संस्कृति की बात करो,
बढ़िया एंजॉय करो, बस यही मैं आपके चैनल के माध्यम से, बड़ा आपकी भी बड़ी मेहनत आप जो घूम रहे हो यहाँ, जय हिंद जय भारत। तो देखा आपने जैसा ट्रैफिक ताऊ ने बताया, अगर आप अगर अभी अपनी कुटिया में नहीं रहे तो आप एक लुटिया में आ जाएंगे और उन्हें कोई हरिद्वार तक पहुंचाने वाले नहीं हो, ऐसा हमारे ट्रैफिक ताऊ ने संदेश देते हुए कहा कि अगर कोरोना से लड़ना है तो अपने घरों में रहना है। तो इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला ऐसे ही बना रहेगा, देखते रहिए टीम पहचान फरीदाबाद।